प्यारे बच्चों गुड मॉर्निंग। वी आर डिस्कसिंग द टॉपिक रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो बच्चों अमेरिकन अप्रोच यानी कि मॉडर्न अप्रोच रूल्स मैंने आपको बता दिए थे, आज उसी के हम न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। एक क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से देखिए। लिखा है ओपन टी सेफ अकाउंट ऑफ आवर क्रेडिटर संजय। आपने संजय का अकाउंट बनाना है और संजय कौन है? हमारा क्रेडिटर। बच्चों क्रेडिटर समझते हो द पर्सन फ्रॉम हुम वी हैव परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, संजय। आगे लिखा है एंड राइट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑन प्रॉपर साइड। टोटल 5 ट्रांजेक्शंस दी हुई हैं और आपने ये देखना है कि कौन सी ट्रांजेक्शन डेबिट में लिखनी है और कौन सी ट्रांजेक्शन क्रेडिट में। तो बच्चों बात वही है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, वेन टू राइट ऑन डेबिट साइड एंड वेन टू राइट ऑन क्रेडिट साइड, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ अकाउंट। जो संजय अकाउंट हम बनाने जा रहे हैं, संजय कौन है? हमारा क्रेडिटर। सोचो बच्चों इस अकाउंट की नेचर क्या है। अमेरिकन अप्रोच में मैंने अकाउंट्स की आपको 5 कैटेगरीज बताई थी, एसेट लायबिलिटी कैपिटल एक्सपेंस एंड इनकम, टोटल 5 कैटेगरीज है। तो इस अकाउंट की नेचर क्या है? क्रेडिटर को हम क्या ट्रीट करते हैं? लायबिलिटी, ये लायबिलिटी है। और लायबिलिटी अकाउंट का बच्चों क्या होता है कि अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है क्रेडिट एंड वाइस वर्सा। तो लिख देता हूं यहां पे इंक्रीज इन क्रेडिटर। अगर इंक्रीज हो रही है हम कहां पे रिपोर्ट करेंगे? क्रेडिट साइड, रूल यही कहता है। और अगर डिक्रीज हो रही है तो कहां पर रिपोर्ट करेंगे? डेबिट साइड, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स, राइट। लेट्स स्टार्ट, ध्यान से सुनना बच्चों ट्रांजेक्शन। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम संजय ऑन क्रेडिट ₹4,40,000। संजय से हमने उधार माल खरीदा है और कितने का? 40,000 का। तो देखो बच्चों संजय से जब हम उधार माल खरीदेंगे तो इससे क्रेडिटर बढ़ेंगे कम होंगे? क्रेडिटर तो बढ़ेंगे, लायबिलिटी बढ़ेगी। और लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है कहां पर रिपोर्ट करते हैं? क्रेडिट साइड। कितने का माल खरीदा है? 40,000। तो 40,000 हम कहां पर लिखेंगे? क्रेडिट। क्या लिखेंगे? गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, दिस इज फर्स्ट ट्रांजेक्शन। सेकेंड ट्रांजेक्शन है बच्चों पेड टू संजय 25,000। हमने संजय को पेमेंट करी है 25,000 की। तो देखो जब हम उसको पेमेंट करेंगे तो इससे क्रेडिटर इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे? क्रेडिटर तो कम हो जाएंगे। और क्रेडिटर अगर कम होंगे तो कहां पे रिपोर्ट करेंगे? डेबिट साइड, पेड टू संजय। और कितनी पेमेंट हमने करी है बच्चों? 25,000। बच्चों एक बात मैं और क्लियर कर देता हूं कि ये जो पेमेंट हमने करी है इसका इफेक्ट दो अकाउंट्स पर पड़ेगा, संजय अकाउंट और कैश अकाउंट। लेकिन क्योंकि हमें केवल संजय अकाउंट बनाने के लिए कहा गया है, कैश अकाउंट हमें बनाने के लिए नहीं कहा गया। अदरवाइज तो आपको पता होना चाहिए एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स एटलीस्ट टू अकाउंट्स इन अपोजिट डायरेक्शन, क्लियर है? तो ये हो गया। थर्ड ट्रांजेक्शन है, लिखा है अगेन परचेज गुड्स फ्रॉम संजय ऑन क्रेडिट ₹4,16,000। हमने 16,000 का और माल खरीदा उधार में तो लायबिलिटी तो बढ़ जाएगी, क्रेडिट बढ़ जाएंगे। कहां पर लिखेंगे? क्रेडिट साइड। हाउ मच? 16,000 गुड्स अगेन परचेज ऑन क्रेडिट। ट्रांजेक्शन नंबर 4 है बच्चों गुड्स रिटर्न टू संजय ₹4,2,000। गुड्स रिटर्न टू संजय ₹4,2,000। हमने संजय को माल वापस किया है। बच्चों जब हमने माल खरीदा था क्रेडिटर बढ़ गए थे, आज हम उसको माल वापस कर रहे हैं, डिफेक्टिव है, डैमेज है, वट एवर बी द रीजन। इफ परचेज गुड्स आर रिटर्न टू द क्रेडिटर, ₹2,000 का माल हम उसको वापस कर रहे हैं तो क्रेडिटर बढ़ेंगे कम होंगे? क्रेडिटर तो कम हो जाएंगे। कहां पर रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड। क्या लिखेंगे यहां पे? दिस इज परचेज रिटर्न। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में मैंने आपको बताया था परचेज रिटर्न, जिसे रिटर्न आउटवर्ड भी हम कहते हैं, क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट लिखा है पेड टू संजय 20,000। संजय को पेमेंट की है, क्रेडिटर कम हो जाएंगे, कहां पर रिकॉर्ड करेंगे? डेबिट साइड, क्योंकि लायबिलिटी कम हो रही है, हमारे सिर का बोझ कम हो रहा है।
पेमेंट मेड टू संजय। ये लो बच्चों फाइव ट्रांजेक्शन थी, क्वाइट सिंपल। अगर रूल्स आपको पता है, कल एक बात मैंने आपको कही थी कि बैलेंस भी आपको निकालना है, और बैलेंस कैसे निकालेंगे देखिए, क्वाइट सिंपल। टोटल कीजिए बोथ साइड्स 56, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड एंड टोटल ऑफ डेबिट साइड कम्स टू रूपीज 47,000। अब बच्चों बैलेंस निकालना है, कल भी मैंने आपको कहा था बैलेंस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द टोटल ऑफ डेबिट साइड एंड टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। इधर का टोटल 56 है, इस साइड का टोटल 47 है, डिफरेंस कितना आपको नजर आ रहा है, डिफरेंस है यहां पे 9,000। इस 9,000 को हम क्या कहेंगे, बैलेंस। यहां का टोटल ज्यादा है, इसे दोबारा लिखिए 56, यहां पर भी 56, क्योंकि जब हम कोई अकाउंट बनाते हैं तो दोनों साइड का टोटल हमें इक्वल करना होता है, तो यहां पे बैलेंस कितना आ गया 9,000, दिस इज बैलेंस। बच्चों संजय अकाउंट का बैलेंस कितना आ गया 9,000, इसका मतलब समझते हो आज की डेट में हमने संजय के कितने रुपए देने हैं, हमने उसके रुपए देने हैं 9,000, क्लियर है। अच्छा बच्चों एक बात और बताओ, ये संजय अकाउंट का कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस, कल मैंने आपको सिखाया था क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो ये क्रेडिट बैलेंस है। कल मैंने आपको बताई थी बात कि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है डेबिट बैलेंस आएगा, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस आएगा। और वैसे ही बच्चों ध्यान रखना, ये संजय अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है 9,000, हमने उसके 9,000 देने हैं। अब ध्यान रखना बच्चों, एसेट्स हैव ऑलवेज डेबिट बैलेंस। अगर आपको याद हो कल मैंने फर्नीचर अकाउंट बनाया था, उसका डेबिट बैलेंस आया था, ऐसे पे एसेट्स हैव ऑलवेज डेबिट बैलेंस एंड लाइबिलिटीज हैव ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस। एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होगा, लाइबिलिटीज का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा, क्लियर है। बच्चों एक क्वेश्चन हम और कर रहे हैं, बच्चों मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, आप स्टेटमेंट ध्यान से सुनिए। लिखा है फ्रॉम द फ्लोइंग पर्टिकुलर्स प्रीपेयर द प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट। हमने बनाना है कैपिटल अकाउंट, तो नेचर कैपिटल ही है, टोटल फाइव कैटेगरी मैंने आपको बताई है, तो इसकी नेचर क्या हो गई, कैपिटल अकाउंट। बच्चों कैपिटल अकाउंट का रूल मैंने आपको कहा था कि जो रूल लाइबिलिटी का है वही रूल कैपिटल का है, इंक्रीज इन कैपिटल क्रेडिट एंड डिक्रीज इन कैपिटल डेबिट। कल मैंने आपको कहा था कि कैपिटल अकाउंट और लाइबिलिटी अकाउंट दोनों का डेबिट क्रेडिट करने का रूल सेम क्यों है, क्योंकि एक्चुअली कैपिटल इज ऑल्सो लाइबिलिटी फॉर द फर्म, कैपिटल इज इंटरनल लाइबिलिटी फॉर द फर्म। तो लाइबिलिटी तो लाइबिलिटी है, चाहे एक्सटर्नल है चाहे इंटरनल है, लाइबिलिटी को डेबिट क्रेडिट करने का रूल वही है, इंक्रीज है तो क्रेडिट और डिक्रीज है तो डेबिट। अब देखिए लिखा है फ्रॉम द फ्लोइंग पर्टिकुलर्स प्रीपेयर द प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट, टोटल फाइव ट्रांजेक्शन हमें दी हुई है। नंबर वन, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रूपीज 75,000, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रूपीज 75,000, विच टू अकाउंट्स विल बी अफेक्टेड। कैश अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन कैश अकाउंट हमें बनाने के लिए नहीं कहा गया, हमें कहा गया है ओनली प्रीपेयर कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट ही में बना लो, ठीक है। अब देखो बच्चों प्रोप्राइटर ने 75,000 बिजनेस में लगाए हैं, इन्वेस्ट किए हैं, तो उसकी कैपिटल इंक्रीज हो रही है डिक्रीज, कैपिटल तो इंक्रीज हो रही है, कहां पर लिखेंगे क्रेडिट साइड, हाउ मच 75,000 लिखना है, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, क्लियर है, क्वाइट सिंपल, कुछ भी टेक्निकल नहीं है बच्चे, सब्जेक्ट ही आसान है, अकाउंटेंसी में कोई ज्यादा डिफिकल्टी नहीं है, कोई टेक्निकल बात नहीं है, बस रहते कि आपको रूल्स क्लियर हो, लॉजिक्स क्लियर हो। और दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कॉन्टिन्यूटी, कि आपने हर चैप्टर हर लेक्चर कॉन्टिन्यूटी, कोई भी लेक्चर कोई भी चैप्टर आपने बीच में मिस नहीं करना, पूरी चेन है शुरू से लेके आखिर तक। और मैंने ये भी आपको कहा था कि ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ना पड़ेगा, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग,
अगर कोई स्टूडेंट सोचता है कि 3 महीने के बाद 4 महीने के बाद या विंटर्स में जाके अकाउंटेंसी की तैयारी करेंगे तो इसकी तैयारी नहीं कर पाऊंगे, क्योंकि इसमें जितने भी चैप्टर हैं फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक सारे के सारे इंटररिलेटेड है। पहला स्टेप पक्का होगा तभी आप अगला स्टेप कर पाऊंगे। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है विड्रू फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज 10,000। विड्रू फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज 10,000। ओनर ने बिजनेस में से 10,000 रुपए निकाल लिए पर्सनल पर्पज के लिए, जिसको हम ड्रॉइंग्स कहते हैं। तो देखो यहां पे कैपिटल अकाउंट पर इफेक्ट पड़ेगा। कैपिटल इंक्रीज हो रही है डिक्रीज? कैपिटल तो कम होगी, तो कहां पर लिखेंगे? डेबिट साइड। ड्रॉइंग से लिख सकते हो आप यहां पे। और कितना विड्रॉ किया है बच्चों? 10,000। क्लियर है? बिजनेस में जब कुछ लगाता है ओनर कैपिटल बढ़ती है, और बिजनेस में से कुछ निकालता है तो उससे कैपिटल कम हो जाती है। वेरी सिंपल। थर्ड ट्रांजेक्शन लिखा है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ₹13,000। बच्चों लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, बच्चों हमारा एक चैप्टर है बिजनेस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। चैप्टर भी वो मैंने पोस्टपोन किया हुआ है, बाद में करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे। उस चैप्टर में एक प्रिंसिपल आता है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल मैंने पहले भी कहा था कि ये प्रिंसिपल क्या कहता है। दिस प्रिंसिपल स्पेसिफाइज दैट बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स। फर्म अलग है और ओनर अलग है। ये प्रिंसिपल एक बात और कहता है, ऑल द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फर्म, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओनर। हम बुक्स में जो भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करनी है, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं। अब यहां पर लिखा है बच्चों लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। देखिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस तो है, क्योंकि जब हम इंश्योरेंस करवाते हैं चाहे आप गाड़ी का करवाएं चाहे लाइफ इंश्योरेंस करवाएं, प्रीमियम तो आपको भरना पड़ेगा, एक्सपेंस है। लेकिन ध्यान से देखिए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस किसका है? ओनर का। बच्चों उसने अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाया हुआ है, प्रीमियम भर रहा है बिजनेस में से, आपको क्या लग रहा है ये बिजनेस का एक्सपेंस है उसका पर्सनल एक्सपेंस है? सोचिए अगर लिखा होता इंश्योरेंस प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम, फिर तो हम इसको बिजनेस का एक्सपेंस मानते हैं, क्योंकि बिजनेस में हम गोडाउन का इंश्योरेंस करवाते हैं, गाड़ी का इंश्योरेंस करवाते हैं, माल का इंश्योरेंस करवाते हैं। लेकिन यहां पर लिखा है लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, दिस इज नॉट बिजनेस एक्सपेंस, दिस इज हिज पर्सनल एक्सपेंस, ये उसका पर्सनल मैटर है। और अगर ये उसका पर्सनल एक्सपेंस है तो हम इसको क्या ट्रीट करेंगे? ड्रॉइंग्स। खर्चा उसका पर्सनल था, पेमेंट उसने बिजनेस में से कर दी, मीन्स ड्रॉइंग्स। कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल पर्पज, तो कितना प्रीमियम पे किया बच्चों? 13,000। तो इस ड्रॉइंग से उसकी कैपिटल डिक्रीज होगी, तो कहां पर लिखेंगे? डेबिट साइड। क्या लिखेंगे? लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे। ठीक है बच्चों? फोर्थ ट्रांजेक्शन है लिखा है सोल्ड पर्सनल इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹15,000 एट 5% प्रॉफिट। पर्सनल इन्वेस्टमेंट का मतलब है उसने घर पर अपने कोई इन्वेस्टमेंट लिए हुए हैं, किसी कंपनी के शेयर्स वगैरह लिए हुए हैं। कितने के थे? 15,000। अब उसने वो सेल कर दिए, कितने प्रॉफिट पर? 5% प्रॉफिट पर। तो 15,000 का 5% कितना होता है? 750। तो बच्चों उसने कितने के सेल किए? 15,750। ये कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है, ये उसका घर का मैटर है। लिखा है सोल्ड पर्सनल इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹15,000 एट 5% प्रॉफिट, दिस इज नॉट बिजनेस ट्रांजेक्शन। लेकिन आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है एंड ब्रॉट इन टू बिजनेस ऑन द सेम डे। ये पैसा उसने कहां लगा दिया? बिजनेस में। अब ये बिजनेस ट्रांजेक्शन, अब वो इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो उसने बिजनेस में कितने रुपए इन्वेस्ट किए हैं? 15,750। नाउ दिस इज बिजनेस ट्रांजेक्शन। और जब वो ये पैसा बिजनेस में लगाएगा तो इससे उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी।
कहां पर लिखेंगे बच्चों? क्रेडिट साइड 15,750। बड़ा सीधा सा क्राइटेरिया है, कैपिटल अगर इंक्रीज हो रही है क्रेडिट, और अगर डिक्रीज हो रही है डेबिट। बिजनेस में कुछ वो लगाता है, इन्वेस्ट करता है, कैपिटल बढ़ेगी। बिजनेस में से कुछ विड्रॉ करता है, कैपिटल कम होगी। और ये क्या मैटर था? एडिशनल कैपिटल या कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय द ओनर। लास्ट पॉइंट है बच्चों, लॉस फॉर द ईयर 5,000। बच्चों इस साल प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। प्रॉफिट से कैपिटल इंक्रीज होती है, लॉस से कैपिटल डिक्रीज होती है। तो इस साल तो लॉस हुआ है, लिखा है लॉस फॉर द ईयर 5,000, इससे कैपिटल क्या होगी? डिक्रीज। दिस इज लॉस फॉर द ईयर। ये लो बच्चों, ये हो गया आपका कैपिटल। क्लियर है? बैलेंस की बात अगर करें, क्वाइट सिंपल, पहले भी आपको सिखाया है। टोटल करिए, क्रेडिट का टोटल हो गया 90,750 और डेबिट का टोटल हो गया बच्चों 28,000। जो डिफरेंस आपको नजर आ रहा है इसे दोबारा लिखिए, 19,750 टोटल हमने इक्वल करना है, बहुत सही। देखिए कितना डिफरेंस आपको नजर आ रहा है, ये डिफरेंस हो गया 62,750। और ये जो डिफरेंस आपको नजर आ रहा है इसी को हम क्या कहते हैं? बैलेंस। यानी कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कितना है? 62,750। आज हमारी बिजनेस में कितनी कैपिटल इन्वेस्टेड है? 62,750। एंड दिस इज क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट, बिकॉज क्रेडिट साइड एक्सीड्स डेबिट साइड। क्लियर है? जहां का टोटल ज्यादा है वही बैलेंस आएगा। डेबिट साइड एक्सीड कर रही है, डेबिट बैलेंस आएगा। क्रेडिट साइड एक्सीड कर रही है, क्रेडिट बैलेंस आएगा। तो मैंने आपको कहा था कि एसेट्स डेबिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटी क्रेडिट बैलेंस होता है, और कैपिटल का भी कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट। तो दिस इज क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो ये थे बच्चों रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एज पर अमेरिकन अप्रोच। एक अप्रोच और है इंग्लिश अप्रोच, विच इज ऑल्सो नोन एज ट्रेडिशनल अप्रोच और डबल एंट्री सिस्टम, वो हम डिस्कस करेंगे कल के लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।